रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपसे बात करेंगे बैरी एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी के बारे में। बैरी एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी जो है, इसके अंदर रेट्स क्यों कम है प्लाट्स के, और जो वामे विलाज हैं उनके रेट्स भी बहुत ही मुनासिब हैं। पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की। तो इसकी लोकेशन अगर मेन फिरोजपुर रोड से आते हैं, तकरीबन 7 किलोमीटर मेन फिरोजपुर रोड से इसका जो है लोकेशन बनती है। अगर हम रायबंड की तरफ से आएँ तो जो रेलवे फाटक है वहाँ से तकरीबन 9 किलोमीटर के फासले पे ये बैरी एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी है। मुकम्मल आबाद सोसाइटी है, गेटेड है, ए बी सी और डी ब्लॉक्स हैं। 5 मरला और 8 मरला की इसमें कटिंग है, और इसके एक हिस्से में अवामी विलाज के नाम से फ्लैट्स बने हुए हैं, जो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर मुकम्मल आबाद हैं और वहाँ लोग रह रहे हैं। तो अगर हम फ्लैट्स की बात करें तो फ्लैट्स का रेट तकरीबन 30 लाख से 38 लाख के दरमियान है। ग्राउंड फ्लोर का रेट ज़्यादा है, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के रेट्स कम है। तो अगर हम प्लाट्स की बात करते हैं तो यहाँ जो प्लाट्स के रेट्स हैं वो तकरीबन 5 मरला प्लाट के रेट 24 लाख से शुरू होते हैं और तकरीबन 35 लाख तक हैं। इसी तरह जो 8 मरला प्लाट है उसके रेट्स जो है वो 30 लाख से शुरू होते हैं और 42 लाख के दरमियान। मैरी एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी जो है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म अच्छी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसकी एक साइड पे एलडी सिटी अप्रोच कर रहे हैं, और अगर ये जिस वजह से रोड है, चूँकि ये बहुत पुराना रोड है, 25 से 30 साल पुराना रोड बना हुआ है, सुहास रोड जो है चूँकि बहुत पुराना रोड है, अगर इसकी तस्वीर होती है और ये रोड जो है नया बनता है तो इससे भी इसके रेट्स में बहुत बेहतरी आएगी। दूसरा ये बहुत सी सोसाइटीज़ की तरफ बढ़ी हैं, जैसे सफारी गार्डन है, सेंट्रल पार्क है, एलडीए सिटी है, और भी बहुत सी सोसाइटी जो है वो जैसे लेक सिटी की तरफ से, जिया बगर रोड की तरफ से इसकी तरफ बढ़ी हैं। तो ये है कि ख़ुद इसकी एक्सटेंशन भी मतवक़ो है कि ये बैरी एजुकेशन मेडिकल सिटी जो है मज़ीद इसको मज़ीद लॉन्चिंग इसमें आएंगी और ये सोसाइटी इसके मज़ीद ब्लॉक्स आएंगे। तो ये फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो इसके रेट्स कम है, वो मैंने रीज़न बताई कि थोड़ा रिमोट एरिया और मेन अप्रोच की वजह से इसके रेट्स कम है। तो बैरी एजुकेशन मेडिकल सिटी के में आप कोई प्लाट ख़रीदना चाहते हैं या कोई फ्लैट ख़रीदना चाहते हैं आप जो अवामी विलाज के नाम से हैं, तो मुकम्मल मैंने इन्फॉर्मेशन रेट्स की आपको दे दी है। तो बैरिया एजुकेशन मेडिकल सिटी जो है इसके बारे में आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं। बैरिया एजुकेशन मेडिकल सिटी जो है बहुत अच्छी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जैसा कि मैंने ये बताया, अवामी विलाज हैं जिसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर है, ये भी आबाद हैं, लोग यहाँ रह रहे हैं, और जो प्राइस हैं वो भी बहुत मुनासिब है, जैसा कि मैंने बताया कि 30 लाख से 38 लाख के दरमियान जो है अवामी विलाज की प्राइसेज हैं। ग्राउंड फ्लोर की प्राइस ज़्यादा है, इस तरह सेकंड और थर्ड फ्लोर ग्रेजुअली उनकी प्राइसेस में जो है वो 28 से 30 लाख से स्टार्ट होती हैं और तकरीबन 38 लाख तक इसकी प्राइसेस जाती हैं। तो बैरी एजुकेशन मेडिकल सिटी के बारे में ये वीडियो थी। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, बैरी एजुकेशन मेडिकल सिटी में आप कोई फ्लैट ख़रीदना चाहते हैं या आप कोई फ्लैट ख़रीदना चाहते हैं तो आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं। बैरिया एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी जो है लो कास्ट में लाहौर की सबसे बेहतरीन और अच्छी हाउसिंग सोसाइटी है, अच्छी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। फ्यूचर में इसके रेट्स भी बढ़ेंगे, और जैसा कि एलडीए सिटी है, सफारी गार्डन, सेंट्रल पार्क तेज़ी से इसकी तरफ बढ़े हैं, तो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसके रेट्स में बहुत बेहतरी आएगी। फौरी तौर पे यहाँ पोजेशन है और फौरी तौर पे आप यहाँ घर बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप रابطہ कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।